हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कोड विद यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पाइथन के अंदर एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं वो सारी चीज़ें आपको वन बाय वन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। आपके जितने भी डाउट्स या फिर कंसेप्ट रहेंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे और स्ट्रांग हो जाएंगे इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पाइथन के अंदर जब भी हम लोग एक्सेप्शन को हैंडलिंग करने का जो टॉपिक आता है, जब भी बात आता है, तो उस चीज़ को हम लोग तीन टाइप्स के ब्लॉक्स होते हैं, लाइक ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली, ठीक है। सो ये तीन ब्लॉक को हम लोग मोस्टली यूज करते हैं अपने पाइथन एक्सेप्शन के हैंडल करने के लिए। सो ट्राई ब्लॉक क्या होता है कि जो भी कोड हमें एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है उस कोड को हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं, ठीक है। और एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होता है कि अगर हमारा एक्सेप्शन थ्रो हुआ है ट्राई ब्लॉक से, ठीक है, तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने का मैकेनिज्म्स या फिर उस एक्सेप्शन को हम लोग एक्सेप्ट करें और नॉर्मल फ्लो जो चल रहा है हमें उसको हमें अब्रप्ट नहीं करना है, हमें ब्रेक नहीं करना है, तो उस केस में हम लोग एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करेंगे जहाँ पर हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। और फाइनली ब्लॉक का यूज़ क्या होता है कि सपोज हमने कभी अगर कनेक्शन बनाया डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है, तो हमारा सब कुछ प्रॉपर चल गया कोड, तो फाइनली ब्लॉक में अगर कुछ हमें कनेक्शन को क्लोज करना है, कुछ क्लोजिंग मैकेनिज्म परफॉर्म करना है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करने हैं एट द एंड ऑफ द कोड, तो वो चीज़ें हम लोग फाइनली ब्लॉक के अंदर रखते हैं। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली, ठीक है। इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हम लोग अपना कस्टम एक्सेप्शन कैसे रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी टॉपिक आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको वो भी टॉपिक्स का डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप खुद का एक्सेप्शन क्रिएट करना चाहेंगे कस्टम एक्सेप्शन, तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो ट्राई हमारा क्या यूज था, जो कोड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, ठीक है, तो एक्सेप्शन थ्रोएबल कोड। और एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होता है, जो एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म बोल सकते हैं हम लोग। और फाइनली ब्लॉक में जब भी कुछ क्लोज ऑपरेशन परफॉर्म करना रहेगा या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करने हैं वो चीज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे फाइनली ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल के लिए प्रिंट एक्स करता हूँ और इस कोड को जब मैं रन करूंगा तो हमें क्या दे रहा है, नेम एरर, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। ये एक्सेप्शन थ्रो कर दिया और हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सपोज अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट हेलो, तो क्या होगा, लाइन नंबर 8 पे हमारा कोड ब्रेक हो जाएगा, तो लाइन नंबर 9 जो है वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस कोड में आपस रन करूँ, देखो लाइन नंबर 9 हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि लाइन नंबर 8 पे जब हमारा कोड ब्रेक हो गया तो जितने भी आगे के कोड थे वो सारे कोड जो है स्किप हो चुके, ठीक है, हम लोग सिस्टम के बाहर आ चुके, कोड एग्जीक्यूशन के प्रोसेस के बाहर आ चुके। तो उस चीज़ को हम लोग ब्रेक ना करें और हमारा कोड स्मूथली रन हो, उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्राई एक्सेप्ट। सो कौन सा कोड हमारा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, प्रिंट एक्स ब्लॉक, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर प्रिंट एक्स का जो यूज है वहां पर डाल देंगे एंड देन एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट देन कॉलन, और जो भी मैसेज हमें प्रिंट करना है, जो भी मैसेज हमें प्रिंट करना है वो मैसेज हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, लाइक एक्सेप्शन अकर्ड, ठीक है। अब जब हम लोग कोड को रन करेंगे तो हमारा सक्सेसफुली कोड रन हो जाएगा, देखो एक्सेप्शन अकर्ड हेलो, मतलब हमारा नेक्स्ट लाइन भी प्रिंट हो चुका सक्सेसफुली। जो हमारा जो प्रिंट हेलो कमांड था, जो हेलो हम लोग प्रिंट कर रहे थे कंसोल पे, वो प्रिंट पहले नहीं हो रहा था, पर जब हमने ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक यूज किया तो वो लाइन भी हमारा सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका, ठीक है। अभी क्या होता है कि हमने ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक यूज तो कर लिए, अभी हमें कुछ मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल करने हैं, तो लाइक अगर हमने यहाँ पे और एक्सेप्ट करता हूँ मैं एक्सेप्ट, अभी कौन सा, जब हम लोग कोड को रन किए थे उस टाइम पे तो हमें कौन सा एरर आया था, नेम एरर, तो हम लोग क्या करेंगे, नेम एरर को यहाँ पे हैंडल करेंगे, प्रिंट एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म, ठीक है, मल्टीपल एक्सेप्शन।
को हैंडल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग एक्स को एक्सेस करते हैं, एक्स तो डिफाइन नहीं है, तो हमारा क्या एक्सेप्शन थ्रो करेगा, नेम एरर, जैसे हमने पहले कंसोल पे देख लिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम लोग एक्सेप्शन डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, तो जो सबसे ऊपर रहेगा वो हमेशा हमारा सब क्लास रहेगा। हम लोग अगर इस एक्सेप्शन को पहले डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या देगा, एरर थ्रो करेगा, बिकॉज अगर हमने पहले ही उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया और सब क्लास को बाद में डालेंगे तो हमारा कोड जो है प्रॉपर नहीं चलेगा। तो जब भी हम लोग कोड लिखेंगे तो हमारा मेन मकसद क्या रहेगा कि हम लोग सब एरर को पहले लिखें और सुपर एरर को बाद में कवर करने का ट्राई करें, ठीक है। तो अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ, देखो एक्स इज नॉट डिफाइंड, हेलो। तो सपोज अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं प्रिंट करना कि एक्सेप्शन अकर्ड, तो मैं क्या करूँगा, 1/0 से डिवाइड करूँगा फॉर एग्जाम्पल। तो जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो अभी इस केस में मुझे क्या एरर देगा, एक्सेप्शन अकर, बिकॉज हमारा यहाँ पे नेम एरर एक्सेप्शन थ्रो नहीं किया है। अभी इस टाइम पे division/0 एरर थ्रो किया जाएगा, करेक्ट, बिकॉज हम लोग 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो एरर चले गया, सुपर हैंडल कर लिया, सुपर ब्लॉक जो हमारा एक्सेप्ट का उसने हैंडल कर लिया और ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया, फिर हमारा नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो गया। तो ये एग्जाम्पल था मल्टीपल एक्सेप्शन का, ठीक है। अब इसके अंदर होता है कि हमारा कोड सक्सेसफुली चल गया, अभी उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म करना या फिर एक्स्ट्रा मैसेज डिस्प्ले करना है, तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जब हमारा कोड सक्सेसफुली चल गया उस केस में तो हम क्या यूज़ करेंगे, एल्स ब्लॉक, एल्स ब्लॉक प्रिंट नो एक्सेप्शन कर, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं चेंज कर दूँ, 2/2 कर दूँ, तो आउटपुट में क्या आएगा, 1 एंड देन नो एक्सेप्शन अकर्ड, बिकॉज इस केस में हमारा कोड जो है ये वाला ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा है, ना ही हम लोग नेम एक्सेप्शन को थ्रो करवा रहे हैं उससे, ना ही हम लोग सुपर एक्सेप्शन थ्रो करवा रहे हैं, डायरेक्टली हमारा एल्स ब्लॉक में जाएगा और ये कोड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो कोड को रन कर लेते हैं, देखो ठीक है। तो आप देखो हम चेक कर लिए कंसोल में क्या आया, नो एक्सेप्शन अकर्ड एंड आउटपुट हमारा क्या है, 1.0, 2/2 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू और आएगा। तो हमारा अभी किस में गया कोड, ये इसका आउटपुट प्रिंट हुआ एंड देन डायरेक्टली हम लोग एल्स ब्लॉक के अंदर चले गए, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था एल्स का, कि हम लोग एल्स ब्लॉक को, एल्स जो कीवर्ड है उसको कैसे यूज करेंगे हम लोग एक्सेप्शन के टाइम पे। तो अभी हम लोग देखेंगे फाइनली ब्लॉक का यूज। तो फाइनली ब्लॉक का यूज क्या होता है कि कुछ क्लोज ऑपरेशन परफॉर्म करना है या कुछ इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करने हैं, तो उस केस में हम लोग फाइनली ब्लॉक का यूज करते हैं, और फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा, या एक्सेप्शन थ्रो हो या फिर एक्सेप्शन थ्रो ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँ ट्राई प्रिंट हेलो फ्रेंड्स, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, प्रिंट एक्सेप्शन, ठीक है। अब मैं फाइनली ब्लॉक डिक्लेयर करता हूँ, और फाइनली ब्लॉक के अंदर हम लोग हर एक ब्लॉक के बाद कॉमा डालेंगे और हमें इंडेंटेशन मेंटेन करना है, ठीक है। स्पेसिंग जो है हर एक ब्लॉक्स के बीच में वो मेंटेन करना होता है। सो फाइनली ब्लॉक में हम लोग प्रिंट करते हैं इनसाइड फाइनली ब्लॉक। तो हम लोग कोड एक्सिक्यूट करेंगे तो हेलो फ्रेंड्स प्रिंट होगा, एंड देन हम लोग फाइनली ब्लॉक के अंदर जाना ही जाना है, चाहे एक्सेप्शन थ्रो करे या फिर एक्सेप्शन थ्रो ना करे। तो कोड को रन कर ले हम लोग, देखो हेलो फ्रेंड्स इनसाइड फाइनली ब्लॉक, तो हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया विदाउट एनी एरर। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया फाइनली ब्लॉक। अभी हम लोग देखेंगे कि हमें कुछ एक्सेप्शन थ्रो करना है ऑन सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। तो उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं रेज एक्सेप्शन कंसेप्ट। सो रेज एक्सेप्शन, तो रेज एक्सेप्शन क्या होता है कि हमें कुछ खुद का एक्सेप्शन रेज करवाना है ऑन सर्टेन कंडीशन, तो उस केस में हम लोग रेज एक्सेप्शन का यूज करेंगे। लाइक सो रेज एक्सेप्शन के एग्जाम्पल के लिए सपोज हमारा जब कंडीशन रहेगा, एज का कंडीशन लेते हैं, जहाँ पे अगर एज less than 17 होता है या फिर less than 18 होता है तो हम लोग उसको एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, या फिर अगर सपोज वैल्यू less than 10 है उस टाइम अगर हमें एक्सेप्शन थ्रो करना है तो हम लोग एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं यूजिंग रेज कीवर्ड। अभी के लिए एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैं वैल्यू लेता हूँ एक्स, एक्स इक्वल टू 10, और जब भी हमारा वैल्यू less than 15 रहेगा तो उस केस में हम लोग एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। तो उसके लिए सपोज इफ एक्स
इज लेस देन 15 रेज एक्सेप्शन, और हम लोग उस टाइम पे मैसेज भी पास कर सकते हैं, ठीक। सो वैल्यू इज लेस देन 15, ठीक है। सो कोड को रन करते हैं, देखो वैल्यू इज लेस देन 15, तो ये हमारा खुद का एक्सेप्शन थ्रो करने का तरीका होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग खुद का एक्सेप्शन यहाँ पे रेज तो कर रहे हैं, बट अगर हमें कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करना है और उसके बेसिस पे हमें कुछ एरर थ्रो करना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए तो बस कैसे आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम लोग पाइथन के अंदर कस्टम एक्सेप्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाले हैं, सो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपके और भी डाउट्स जो है इस टॉपिक के ऊपर वो क्लियर हो जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।